तुलुनाडु की पवित्र भूमि पर हर एक देव को अलग प्रकार से भोग पूजा प्रसाद दिया जाता है। ऐसे ही देवों में एक देव हैं जिन्हें तुलुनाडु में शिव दूत गुलिगे के नाम से पूजते हैं। आज हम उन्हीं रहस्यमय देव की कथा आपके बीच लाए हैं और हमारा दावा है कि आप में से अधिकतर इस रहस्य और रोमांचकारी पौराणिक कथा से अनजान होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाकर पार्वती जी के साथ नृत्य कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा से उनके शरीर से पसीना निकलता है। उस पसीने में मिली हुई भस्म को भगवान शंकर अपने शरीर से निकालकर उसे एकत्र कर एक गोलाकार आकार देकर जमीन पर दे पटक मार देते हैं। वो गोलाकार वस्तु आकार में बड़ी होकर फूटती है और उसमें से एक बहुत ही भयंकर दिखने वाला अवतार पुरुष जन्म लेता है। बाहर आते ही वो पूरे कैलाश को हिला देता है और भूख लगने पर अपने समक्ष शिव और पार्वती को देखकर बोलता है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और तुम लोग कौन हो? मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। ये सुनकर माता पार्वती और शिव बोलते हैं, तू हमारा ही पुत्र है, तुझे हमने माया से उत्पन्न किया है, मेरे शरीर के पसीने और भस्म से तू जन्मा है, इसलिए तेरा नाम गुलिगा है। इस समय पृथ्वी पर अधर्म राज कर रहा है, तुझे धर्म की स्थापना करनी है। ये सुनकर गुलिगा शिवजी से बोलते हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे भूख और प्यास लग रही है। इस पर भगवान शिव बोलते हैं, तेरी भूख और प्यास का समाधान करने की शक्ति सिर्फ वैकुंठवासी नारायण के पास ही है, वे पालन करता हैं। वे ही सारे जीव जंतु प्राणी पक्षी मनुष्यों का पेट युगो युगो से भरते आ रहे हैं, वे तुम्हारी भी भूख प्यास अवश्य मिटाएंगे। ये सुनकर गुलिगा अपनी दृष्टि वैकुंठ पर डालता है। गुलिगा अपनी भूख और प्यास से वैकुंठ को हिला देता है और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री विष्णु नारायण के समक्ष खड़े हो जाता है। अपनी मायावी शक्ति से नारायण गुलिगा को हजार हाथी घोड़े ऊंट का रक्त और मांस का सेवन करने को देते हैं, परंतु इनका सेवन करने से भी गुलिगा की भूख और प्यास नहीं मिटती। तब भगवान विष्णु अपनी छोटी उंगली से खून की धारा निकालकर गुलिगा के मुंह में रख देते हैं। गुलिगा कुछ ही समय में भगवान विष्णु को भी अधमरा कर देता है। ये देखकर लक्ष्मी माता भागते हुए आकर अपने बालों को खोलकर गुलिगा के मुंह पर रखकर विष्णु जी को पीछे खींचती है। इस पर गुलिगा बोलते हैं कि मेरा पेट भर गया है, मैं संतुष्ट हो गया हूँ। इस पर विष्णु जी बोलते हैं, ऐसे देव को संभालना बहुत ही कठिन है गुलिगा, तुम्हें भूलोक में जन्म लेना होगा। एक राक्षसी है नेला उल्ला सांके, जो मनुष्यों पर अत्याचार करके उन्हें मार कर खा जाती है, उसे मैंने वरदान दिया है, उसका 24वां बच्चा ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। विष्णु जी से आशीर्वाद लेकर गुलिगा भूलोक में चले जाते हैं। कुछ समय बाद नेला उल्ला सांके और उनके पति बालीभद्र कुमार के प्रेम संबंध से बच्चा होता है। पहले बच्चे को वो काट कर खा जाती है, दूसरे बच्चे को वो पैर के नीचे दबाकर मार देती है, तीसरे बच्चे को गर्म करके पानी में डालकर उबाल करके खा जाती है। ऐसे ही वो अपने 23 बच्चों को मार करके खा जाती है। फिर विष्णु के आशीर्वाद से गुलिगा 24वां बच्चा बनकर नेला उल्ला सांके के पेट से जन्म लेने से पहले पूछता है, मैं कहाँ से आऊँ? इस पर नेला उल्ला सांके बोलती है, भगवान ने जो राह दी है वहां से आ जा। ऐसे में गुलिगा बोलता है, मैं ऐसी जगह से नहीं आऊंगा, अपने हाथ में सोने की थाली पकड़ो, मैं बाहर आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर नेला उल्ला सांगे के दाहिने स्तन को फोड़कर गुलिगा बाहर आता है और बाहर आते ही माया से अपने असली रूप में आ जाता है। दूध इतना मीठा है तो रक्त कितना मीठा होगा, ऐसा बोलकर गुलिगा नेला उल्ला सांगे का रक्त पीकर उसकी आंतड़ियां खा जाता है और अपने बाप को मार कर खाकर उसकी हड्डियों से कोला नृत्य करता है। इस प्रकार नेला उल्ला सांगे और बालीभद्र कुमार का नाश करके गुलिगा लोगों के ऊपर से उनकी दहशत मिटा देता है। इसके बाद धरती पर विचरण करते समय गुलिगा की नजर एक गाँव पर पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत औरत पर वो मोहित हो उसे पाने के लिए उसके पास जाता है। ये देखकर औरत गुस्से में लाल होकर अपने बल से गुलिगा को जमीन पर गिरा देती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि माता चामुंडी होती है। माता चामुंडी का रुद्र रूप देखकर गुलिगा माता के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। इस पर माता बोलती है, उठ जा, ये तो विधि का विधान है, तुम मेरे ही बेटे हो, हमारा मिलना तो तय था,
अब से हम जोगेश्वरी गुलिगा के नाम से स्थापित होंगे। हमें यहाँ भक्तों की रक्षा करनी होगी और जहाँ जहाँ पर मेरी स्थापना होगी वहाँ पर तुम्हें मेरा क्षेत्रपाल बनकर स्थापित होना होगा। माता चामुंडी ऐसा बोलकर अपना त्रिशूल और तलवार गुलिगा को प्रदान करती है और आशीर्वाद देकर माया से अंतर्ध्यान हो जाती है। वहाँ से गुलिगा अपनी दृष्टि तुलुनाडु पर डालते हैं। तुलुनाडु की सीमा के अंदर आते वक्त परमात्मा पंजुरली गुलिगा को रोक देते हैं। भाइयों और बहनों, असल में पौराणिक मान्यता के अनुसार पंजुरली एक जंगली नरसुअर यानी कि वराह अवतार का दिव्य स्वरूप है, जिसे भूत कोला के रूप में पूजा जाता है। तुलु भाषा में पंजुरली का अर्थ है जंगली सुअर की संतान। गुलिगा और पंजुरली की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों की ही ना जीत होती है ना हार। ये देखकर माता चामुंडी जोगेश्वरी के रूप में आकर उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों ही मेरे पुत्र हो, आज के बाद तुम दोनों छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता लेकर गुलिगा पंजुरली के नाम से स्थापित हो जाओ। भाई और बहनों, आज भी गुलिगा को एक पत्थर के रूप में त्रिशूल रखकर पूजते हैं। उनके भक्त भूता कोला जैसी सेवा देते आ रहे हैं। कहते हैं कि देव गुलिगा तुलुनाडु के जिस भी नगर गांव में गए वहां के नाम पर स्थापित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अधर्म का रास्ता पकड़ोगे तो गुलिगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवलोक छोड़कर भूलोक में आए हैं। जब तक सूर्य चंद्र तारे आकाश हैं, तब तक चामुंडी गुलिगा क्षेत्रपाल बनकर तुलुनाडु की रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको ये रहस्य रोमांचकारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इससे जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी आपके पास हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय जय श्री महाकाल।